रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू निदास नोट्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंफ्यूजन ऑफ LLB पार्ट वन स्टूडेंट्स रिगार्डिंग MCQs। जैसे आप सबको पता है कि MCQs का पैटर्न जो है वो अब डिसाइड हो चुका है और आपको जो पेपर है वो 90 से 100 मार्क्स का मिनट्स का MCQs पे बेस्ड आएगा। बट स्टूडेंट्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि अभी से वो MCQs वाइज अपनी प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपको पहले एक जो भी कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर रूल ऑफ लॉ है, अगर आपको रूल ऑफ लॉ का जो है वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप उसको किस तरह से तैयार करेंगे। अगर मतलब वो आपसे पूछ लेते हैं कि हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो आपको अगर नहीं पता कि डाइसी ने पेश किया है तो आप उसमें MCQs वाइज उसको रट्टा तो नहीं लगा सकते कि आपको एक टॉपिक में से 10 MCQs बना दें और आप उनको रट्टा लगा दें। तो आपको एक जो भी आपका टॉपिक है उसको आप थॉरली जो है वो स्टडी करें और उसके बाद उसमें से आप ख़ुद भी हाईलाइट करते जाएं कि कौन सा पॉसिबल जो है वो MCQs बन सकता है। जैसे रूल ऑफ लॉ में आप देखें कि रूल ऑफ लॉ जो है इसकी ओरिजिन जो है वो कहाँ से आया। जैसे इसमें वो बताते हैं कि मैग्ना कार्टा जो है वहाँ से भी अपनी बेस जो है वो पकड़ता है। फिर इसके रेलिवेंट पाकिस्तान में जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन से हैं जो रूल ऑफ लॉ को डिस्कस करते हैं। इसी तरह कोई आपका अगर प्रेसिडेंट का टॉपिक है तो प्रेसिडेंट का मीन क्या है, इसकी फॉर्म्स कितनी हो सकती हैं और इस तरह से रिलेटेड कस्टम जो है वो क्या होता है, वेदर वो बिहेवियर है, वो हैबिट है, वो क्या है। इस तरह आपको जो है वो अपने सब टॉपिक जो है वो थॉरली पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको उसमें से MCQs जो है वो बनाना खुद भी ईजी लगेगा। मतलब जैसे कोई ईयर आ जाता है, कोई आपको फाउंडर आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मैग्ना का आपका जो रूल ऑफ लॉ है उसका फाउंडर कौन है, वो कॉन्सेप्ट किसने पेश किया, या आपका कोई और जो है वो क्रिमिनल लॉ क्या है, ये कौन सा लॉ है, वेदर ये ऑफेंसेस से डील करता है या ये राइट से डील करता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी एक तो पैनिक मत हो, अभी माशाल्लाह 3 माह पढ़े हैं, ये बहुत लंबा अर्सा है। और उसके बाद अभी पंजाब यूनिवर्सिटी ने 21 मई को एक फाइनल और मीटिंग करनी है, मे बी उसमें वो हमें कोई पैटर्न बताएं कि किस तरह से आपने अपना जो है वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है। बाकी हर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस तो प्रोवाइड कर रहा है, वो साथ साथ आपको आपके ऑब्जेक्टिव भी बताता जाएगा कि इसमें से कौन से पॉसिबल जो हैं वो MCQs बन सकते हैं। इसलिए आप लोग जो हैं वो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपना पूरा एक टॉपिक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और जो आपको उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है उसको हाईलाइट करते जाएँ। तो आई होप आपको जो है वो बहुत आसानी होगी और साथ में इंशाल्लाह आपको जो भी अब हमने टॉपिक किए हैं उसमें से MCQs जो है वो बना के उसको अपलोड करूँगी, आपको वो भी जो है वो आपके लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।